बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा था कि तालिबान अपनी अबूरी हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट का ऐलान करेंगे, कहा यह जा रहा था कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, यानी कि तमाम तबकों को रखा जाएगा, तमाम जो वहाँ पे एथनिक ग्रुप हैं उनको रखा जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट है, यानी कि किसी भी ऐसे बंदे को नहीं रखा गया जो कि गुज़िश्ता 20 साल के अंदर वहाँ पे हुकूमत का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा रहा हो। आज की ये जो 33 लोगों की जो काबीना है, जिसके अंदर वज़ीर आज़म, उनके दो मामनीन और तमाम वज़रा हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किस वज़ीर को क्या मिला और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, 7 से 8 वज़ीरों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। औरतों का एहतजाज दुनिया भर में बहुत हेडलाइंस लग रही हैं काबुल के अंदर, फिर उसके ऊपर तशद्दुद और उसके बाद फिर हवाई फायरिंग और बड़ी बातें की जा रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पंचेर का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन जनाब अहमद मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आई हैं, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। और साथ में तालिबान ने कहा है कि दुनिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुक चाहते हैं सवाए एक मुल्क के, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक तस्वीर दिखाएंगे जो देख के, वो कहते हैं ना पंजाबी में, श्रीका नू आग लग गई, वो आप देखेंगे और आपको अंदाज़ा होगा पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि कहा ये जा रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, हुकूमत के इंचार्ज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि तालिबान के बहुत से ऐसे लीडर जिनकी तस्वीरें आप जितना मर्जी गूगल पे सर्च कर लें, जितना मर्जी आप इधर उधर देख लें वेबसाइट्स के ऊपर, आपको एक भी तस्वीर नहीं मिलेगी, लेकिन तालिबान सर्कल्स के अंदर उनका अपना एक मुकाम है, अपनी एक अहमियत है। उन्हीं में से मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो हैं उनका ताल्लुक है, और वो एक अहमियत के हामिल थे। बेसिकली ये कोई मिलिट्री मैन नहीं है, ये एक रिलीजियस लीडर हैं। और इससे पहले जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी, तो उस वक्त ये वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। ये उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुल्ला उमर के साथ तहरीक तालिबान की बुनियाद रखी थी, जिसे बाद में अमारात इस्लामी कहा गया। इनका ताल्लुक कंधार से है, ये फाउंडर्स में शामिल हैं, और ये जो रहबरी शूरा है तालिबान की, ये उसके हेड रह चुके हैं काफ़ी अरसा तक। इनको बना दिया गया है कायम मकाम वज़ीर आज़म, और इनके दो नाइब बनाए गए हैं जिनमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हैं, जिनके बारे में हर शख्स जानता है कि ये कौन है, और उनके साथ हैं मौलवी अब्दुल सलाम हनफी। ये दो लोग हैं जो मावन होंगे वज़ीर आज़म के, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दो रखे गए हैं। और उसके बाद मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब, जो कि नौजवान हैं, 30s के अंदर उनकी एज है, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी जाफिशानी और जिस तरीके से उन्होंने बहैसियत कमांडर इन चीफ और मिलिट्री कमीशन के हेड के तौर पे हैरान कुन कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है। कहा यह जाता है कि मुल्ला उमर की वजह से मुल्ला याकूब के साथ जो मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदज़ादा हैं, जो कि अमीर हैं तरीके तालिबान के, उन्होंने ख़ास इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखा। उन्हीं के मदरसे के अंदर मुल्ला याकूब ने तालीम हासिल की, और उनको उस वजह से और उनकी मेहनत की वजह से मुल्ला याकूब को ये अहदा दिया गया, और ये वज़ीर दिफा के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं मुल्ला याकूब देखेंगे। उसके बाद आता है सराजुद्दीन हकानी, जिसका नाम सुनते ही इंडिया में आग लग जाती है, और कहा ही जाता है कि हकानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान का हमायत याफ्ता ग्रुप है। इनको वजारत दाखला मिली है, यानी कि जितने भी शर पसंद होंगे, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो किसी और मुल्क के हों, चाहे वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से काम करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को मेनटेन रखें। ना सिर्फ ये बल्कि इनके इलाके जो हैं, जो इनके ज़ेर असर जिन जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, उन 5 सूबों के गवर्नरों का की नॉमिनेशन का इख्तियार भी सराजुद्दीन हकानी के पास होगा,
जिसके अंदर पक्तिया, पक्तिका, खोस्ट, गर्देज, नंगरहार और कुन्नड़ के सूबे शामिल हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहा यह जाता है ना कि तालिबान जो है अफगानिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान का हमायत याफ्ता वजीर दाखिला होगा, पुलिस उसके कंट्रोल में होगी, फोर्सेस उसके कंट्रोल में होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा। बड़ा कहा यह जा रहा था कि जनाब शेर अब्बास सतंगजई जो हैं उन्होंने इसका इख्तियार, इनको कायम मकाम वजीर खारजा बना दिया गया। अमीर खान मुत्तकी जिनको वजीर खारजा बनाया गया है, इनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, 50-52 साल इनकी उम्र है, लेकिन ये यूएन के अंदर तालिबान के जब नेगोशिएशंस और मुजाकरात शुरू हुए थे तो ये उस वक्त रिप्रेजेंट करते रहे हैं। मौलवी अब्दुल हकीम या शेख अब्दुल हकीम, इनको शरिया और कानून का वजीर बनाया गया है और कहा यह जाता है कि ये बहुत सख्त गिर हैं और ये कतर के अंदर भी वहाँ पर रहे हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के साथ, इनको शरिया और कानून का वजीर बनाया गया है। जबकि कारी फसीउद्दीन, कारी फसीउद्दीन के बारे में आप जानती हैं कि ये वो कमांडर है जिसने तारीख में तो इससे पहले कई लोगों ने किया होगा, लेकिन हम जो गुज़िश्ता 40 साल हम देख रहे हैं कि ना रशियंस पनशेर को फतह कर सके, ना ही तालिबान अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के अंदर कर सके, लेकिन कारी फसीउद्दीन वो कमांडर हैं जिन्होंने तालिबान की फौज को लीड करते हुए पनशेर के अंदर तालिबान का परचम लहराया है। इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री का, जबकि खलीलुर्रहमान हकानी मशहूर हैं सराजुद्दीन हकानी के साथ। आपको याद होगा कि मुलाकात जब इनकी हुई थी अब्दुल्ला से और करजई से, तो ये अपनी गन लेके, राइफल लेके बैठे थे वहाँ पर। इनको बना दिया गया है ओवरसीज अफगान का मिनिस्टर, यानी कि हकानी है तो जाहिर सी बात है फौरी तौर पे इंडिया इल्ज़ाम लगाएगा ये तो पाकिस्तान की हमायती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ओवरसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। शायद अब तालिबान की हुकूमत आ गई है तो पाकिस्तान के जो अफगान मुहाजरीन हैं उनका मसला भी हल हो जाए और खलीलुर्रहमान हकानी पाकिस्तान के साथ खास तआमुन करते हुए इस मसले को हल कर दें। इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, दो मिनिस्ट्रियाँ इंतहाई अहम जिसके अंदर अफगान मुहाजरीन यानी ओवरसीज अफगान और दूसरा इंटीरियर मिनिस्ट्री हकानी ग्रुप को मिली है, इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी इन 30 लोगों में टोटल 33 लोग हैं, 33 में से जो 30 मिनिस्टर हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, तकरीबन 60-70% ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर कई अरसे तक क्याम करते रहे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बारे में कहा यह जा रहा था कि इनको शायद वजीर इत्तला'आत बनाया जाए, लेकिन ऐलान उन्होंने नहीं किया कैबिनेट का, लेकिन वो वजीर इत्तला'आत नहीं है, उनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। जो भी जिस तरह हम कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर हाउस या वजीर आजम हाउस, तो ये प्राइम मिनिस्टर के स्टेट के बेसिकली ये स्पोक्स पर्सन होंगे, वजारत इत्तला'आत इनको नहीं दी गई। जबकि शेर अब्बास सतंगजई जिनको पहले ये कहा यह जा रहा था कि ये वजीर खारजा का किरदार अदा करेंगे, उनके साथ इंडिया के एक डिप्लोमेट की मुलाकात भी हुई थी, उनको सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स लगाया गया है। ये वो चीज़ें हैं जो इंतहाई अहम, और मुल्ला फजल को जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो बनाया गया है। बहुत से नाम हैं, नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। मोहतरम मौलवी अब्दुल बाकी हकानी ये वजारत तहसीलात के हैं, मोहतरम मौलवी नजीबुल्ला हकानी ये सरपरस्त वजारत मुखाबरात है, कोई वहीं पे उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो हकानी नाम के काफ़ी वजीर हैं जो कि दुश्मनों को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाएंगे। बात करते हैं औरतों के एहतजाज की। हम ये देख रहे हैं कि जिस दिन से काबुल पे तालिबान का कब्जा हुआ है, हर रोज़ कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उसे शूट करने की कोशिश की जाती है। दरअसल मगरबी मीडिया इस वक्त अपना पूरा जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से उन्हें कोई ऐसी फुटेज मिल जाए जिसका वो बतंगड़ बना सकें। एंटी पाकिस्तान नारे लगाए गए, तकरीबन कहा जा रहा है कि 400-500 लोग थे, उसके बाद वो जा रहे थे ऐवान सदर की तरफ जो अफगानिस्तान का प्रेजिडेंट हाउस है, तो जब वो उसके करीब जाने लगे हैं तो फिर तालिबान ने हवाई फायरिंग की है, उसका बड़ा तमाशा बनाया जा रहा है। एक
हकूमत अभी तक नहीं बनी, जिस मुल्क के अंदर अभी तक हकूमत नहीं बनी, वहां आप हकूक मांगने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जान जान के आप तालिबान को परेशान कर रहे हैं, उनके सामने जाके उनके माइक छीन के आप उसके अंदर नारे लगा रहे हैं। आप सिक्योरिटी एहलकार को ना टच कर सकते, ना उनके साथ बदतमीजी कर सकते, और अब इसका तमाशा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अब कह दिया गया है कि ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अभी आप गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश होने दें, उसके बाद आप अपने एहतजाजात का सिलसिला शुरू कीजिएगा। जहाँ तक पनशेर की बात है, पनशेर का आपको पता है कि पनशेर पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। बहुत से प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि भी अभी तक रेजिस्टेंस फोर्सेस वहाँ पे लड़ रही हैं, कुछ और कर रही हैं। जो हमारे हैं अपने अहमद मसूद, वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये तहरीक जारी रहेगी, इस तहरीक को हम जारी रखेंगे, और इस तरीके से और उस तरीके से कहा ही जा रहा है कि उनको ये उम्मीद थी कि शायद पनशेर में 2 माह तक ये रेजिस्टेंस जारी रख सकें, और रेजिस्टेंस जारी रखने के बाद सर्दियों के अंदर वहां घुसना बर्फबारी के अंदर मुमकिन नहीं था, तो उनको और 4-5-6 महीने मिल जाते, तो तालिबान के ऊपर पूरी दुनिया का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता कि आप किसी भी तरीके से उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरी करें। लेकिन तालिबान ने जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर सरप्राइज दिया, इसी तरह उन्होंने पनशेर के अंदर भी सरप्राइज दिया। लोग ये कह रहे हैं कि जी जंग हो रही है, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तवील जंग का खात्मा है। जो छोटी छोटी रियासतें बनी हुई हैं, नो गो एरियाज बने हुए हैं, वो अब खत्म हो गए हैं। पूरे मुल्क की जिम्मेदारी एक फोर्स के ऊपर है और उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। 40 साल में पहली दफा ऐसा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ एक ताकत की वहां पे हुकूमत होगी और पूरी दुनिया उसको एक कहते हैं ना अदसे के साथ, टेलीस्कोप के साथ उनको उनके एक एक इकदाम को मॉनिटर करेगी। तो ये उम्मीद ये है कि अफगानिस्तान के लिए बेहतर होगा। तालिबान ने कहा है कि दुनिया के हर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन सवाए इसराइल के। इसराइल को ना तो हम तस्लीम करेंगे और ना ही इसराइल के साथ किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात रखेंगे, उन्होंने अपनी पॉलिसी दे दी है। एक तस्वीर आई है DGISI की और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की, जिसके अंदर उन्होंने हाथ भी मिला रहे हैं और दूसरे हाथ से उसको दबा भी रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है भारत के अंदर के, देखें यार कितने फ्री हैं। जाहिर सी बात है कि फ्री तो हैं और हर चीज़ बताई नहीं जा सकती, लेकिन पूरी दुनिया जब ये कह रही है कि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत मेहरबानी की और अगर 20 साल पाकिस्तान उनकी हेल्प ना करता तो शायद वो सरवाइव ना कर पाते, उसमें कुछ तो हकीकत होगी। और ये मेरे उन दोस्तों के लिए जो पनशेर के लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं, F-16 उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, जो कि शायद डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अंदर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।